कर्मचारियों की हड़ताल, ऊर्जा मंत्री की कर्मचारी नेताओं संग बातचीत रही बेनतीजा, कल फिर हो सकती है बैठक। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ संघर्ष समिति के नेताओं की शनिवार रात करीब 10 बजे बैठक हुई। घंटे भर हुई बातचीत में कर्मचारी नेता सभी मांगों को माने जा रहे और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। ऊर्जा मंत्री ने तत्काल मांगे माने जाने पर असमर्थता जताई। इस पर कर्मचारी नेताओं ने सुबह फिर से बातचीत होने की बात कही और निकल गए। इससे पहले यूपी सरकार ने हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। शनिवार दोपहर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों को शाम 6 बजे तक काम पर लौटने की चेतावनी दी थी। हालांकि उससे पहले 22 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन सब के खिलाफ ESMA के तहत कार्रवाई होगी। वहीं 1300 संविदा कर्मियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। हड़ताल के चलते राज्य के कई जिलों में बिजली संकट उत्पन्न हो गया, फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो गया है और जलापूर्ति भी बाधित हो गई है। ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के 22 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। इन लोगों के खिलाफ ESMA के तहत कार्रवाई होगी। इनमें से 6 को निलंबित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि संविदा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अब तक 1332 की सेवा समाप्त की गई है। शाम तक अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी से अपील है कि जनता और अपने परिवार के हित में काम पर लौटे। 4 घंटे का समय दे रहे हैं। शाम 6 बजे तक नहीं लौटने वालों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। जहां बर्खास्त कर रहे हैं वहां दूसरी एजेंसी इंजीनियरिंग कॉलेज से छात्रों को ले रहे हैं और नए लोगों की सेवाएं लेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ संगठन 5 दिन से हड़ताल पर हैं, उनसे बात करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वार्ता के द्वार खुले हैं। कई संगठन जनता के हितों की रक्षा कर रहे हैं, वे निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। इन सभी का आभार है। कई निजी कंपनियों ने उत्पादन इकाई में मदद की है। उत्पादन क्षमता 28 मेगावाट की है, जरूरत कम है। 24 घंटे में आंधी तूफान की वजह से काम प्रभावित हो रहा है। कुछ जगह कर्मचारियों ने समस्या खड़ी की जिसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। हड़ताल का कोई असर नहीं है। तार फीडर में हुई गड़बड़ी सही की गई है। कई जगह शॉर्ट सर्किट करने का प्रयास किया गया। देवरिया व आजमगढ़ में कुछ वारदात हुई, उन सभी के नाम आ गए हैं। सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कर्मचारियों की अनर्गल मांगे पूरी नहीं की जा सकती है, संघर्ष समिति को बार बार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हड़ताल जनहित के विरुद्ध है। यह अवमानना भी है। कोर्ट के आदेश से सभी को अवगत करा दिया गया है। इसके बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। अब कॉरपोरेशन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश है। संघर्ष समिति हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। नेताओं के करीबियों के 3-4 वीडियो भी सामने आए हैं। इसका मतलब है कि उन्हें जनता की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। इन नेताओं को किसी की फिक्र नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह राष्ट्रहित के खिलाफ है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार दोपहर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा सहित विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं और कहा कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।